28 तारीख को हो सकता है कि तेजस्वी यादव राजभवन जाकर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें, ये भी हो सकता है। काफिले में ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि हमको कुछ करना है, हम जो है नहीं इस बार शांत होने वाले हैं, नीतीश के भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार को छट्टी का दूध याद दिलाना है, क्योंकि अगर वो फोन बंद रहता है तो बीजेपी में भी उतना मजबूती के साथ नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। और फिर से ये भी है कि भाई जब आंकड़ा जब दिखाना होगा उस समय मांझी जी नहीं रहेंगे, 6 विधायक नहीं रहेंगे, तो बीजेपी जो एनडीए भी जो है 2020 में घीच तीच कर सरकार बनाई थी ना, ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार के 45 विधायकों में से कुछ विधायकों का कल से ही फोन बंद है, 6 संख्या बताई जा रही है। हाँ देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो 10 सर्कुलर आवास यानी रावड़ी आवास के बाहर है और बेहद बड़ी खबर लेकर आपके बीच हम हाजिर हुए हैं। पहले आप जरा सा गतिविधियां जो लालू आवास पर है वो देख लीजिए, किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। और कुछ ही देर पहले ये वीडियो देखिए, तस्वीर देखिए, जिसमें तेजस्वी यादव जो है वो बेहद तेजी से रावड़ी आवास में एंटर किए हैं। 5 देश रत्न मार्ग जो उनका आवास है, बिहार के डिप्टी सीएम का, वहां से निकले हैं और बहुत तेजी से बिना मीडिया से बातचीत किए हुए वे सीधे रावड़ी आवास गए हैं। और जो बड़ी खबर लेकर आपके बीच हम हाजिर हुए हैं, आप समझिए इस बात को कि बिहार में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। उलटफेर का रूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, कैसे होगा, विधायकों का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा, कई तरह के सवाल हैं। इन सब के बीच ये बात समझना होगा कि अगर इस बार नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हैं, जिसकी खबर भी लगातार आ रही है, तो क्या लालू यादव चुप बैठेंगे, क्या तेजस्वी यादव चुप बैठेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। इस बार नीतीश कुमार के लिए राहें उतनी आसान नहीं होगी। जी हाँ, इस बार तेजस्वी यादव ने भी ये ठाना है कि नीतीश कुमार को सबक सिखाना। आप देखिए कैसे होगा ये। अगर गणना की बात करें, मतलब जो बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो उसमें 8 विधायकों की 8 सीट की कमी आरजेडी के पास है, और उन सीटों का जुगाड़ कैसे होगा? एक खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव कल रात से ही इस जुगत में लगे हुए हैं कि 8 विधायकों को अगर जोड़ लिया जाए तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव हो सकते हैं। कैसे आएंगे वो 8 विधायक, कौन होंगे वो 8 विधायक, जेडीयू से होंगे? या ये भी खबर है कि जीतन राम मांझी से भी बातचीत चल रही है। जी हाँ, जीतन राम मांझी जिनके पास 4 विधायक है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उनसे भी बातचीत चल रही है। और जदयू के अंदर खाने में भी टूट की एक बड़ी आशंका दिख रही है। हमारे साथ आदेश पुरी है, लगातार हम कल से ये खबर कवर कर रहे हैं। आदेश जी क्या कहना है? देखिए अब जो है, देखिए लालू यादव इस बार मच्छू को चौहान वाली स्थिति नहीं होने देंगे। बिल्कुल। 2017 में एकाएक से नीतीश कुमार ने पलटी मार लिया था, जिसका आशा वो नहीं किए थे, लेकिन इस बार लालू यादव जो है वो ये काम नहीं होने देंगे। क्योंकि आपको बता दें कि 8 ही विधायक उनके पास कम है। अगर नीतीश कुमार जाते हैं इस गठबंधन के खिलाफ राज्यपाल के पास, तो उनके पास सीधे कहने के लिए होगा कि भाई सबसे बड़ा दल तो हम हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। और फिर से है कि जादुई आंकड़ा आएगा कहां से? तो बता दे 8 जो कम है तो 4 जीतन राम मांझी के हैं। हाँ। उनसे भी बातें चल रही है, उनको याद कराया जा रहा है। हाँ। फरवरी 2015। बिल्कुल। और फिर से विधानसभा में नीतीश कुमार का जो कुछ दिन पहले जो अभी शीतकालीन सत्र के दौरान जो उनके बेइज्जती किया गया, उन सब चीजों को याद कराया जा रहा है। फिर से बता दे 4 उनके हैं, फिर से AIMIM के भी जो विधायक है उनसे ही बातें चल रही है। और ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार के 45 विधायकों में से कुछ विधायकों का कल से ही फोन बंद है। 6 संख्या बताई जा रही है। हाँ, 6 है, कोई 8 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, लेकिन बता दें आपको कि वो भी संख्या, वो भी फोन जो है कल से बंद आ रहा है। और वही जदयू के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर वो फोन बंद रहता है तो बीजेपी में भी उतना मजबूती के साथ नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। और फिर से ये भी है कि भाई जब आंकड़ा जब दिखाना होगा उस समय मांझी जी नहीं रहेंगे, 6 विधायक नहीं रहेंगे, तो बीजेपी जो एनडीए भी जो है 2020 में घीच तीच कर सरकार बनाई थी ना, तो कहने का मतलब है कि इस बार तेजस्वी यादव, लालू यादव जो है वो चूकना नहीं चाहते हैं। और देखिए आज यहाँ पर सरगर्मियां जो है, उससे अच्छा तेजस्वी यादव का भी एंट्री हुआ है, आप भी देखे हैं, बड़ा ही धमाकेदार एंट्री हुआ है 10 सर्कुलर रोड में, और उनमें और काफिले में ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि हमको कुछ करना है, हम जो है नहीं इस बार शांत होने वाले हैं, नीतीश के भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार को छट्टी का दूध याद दिलाना है, उनके इस खेल को बंद करना है कि जब चाहे तब सीएम बन गए, किसी के साथ जाकर किसी का साथ छोड़ दिए, किसी का हाथ पकड़ लिए, वो खेल बंद करना है। तो ये लालू नीतीश तेजस्वी यादव का जो अभी एंट्री हुआ है, उनके बॉडी लैंग्वेज से देखिए नेताओं का जो है चलना फिरना, उनकी गाड़ियों की भी रफ्तार से पता चल जाता है क्या कर सकते हैं, किस मूड में अभी है। और यही चर्चा भी चल रही है, देखिए चर्चा पूरा चल रहा है कि लालू यादव जो है
वो इस बार बिहार का सत्ता अपने हाथ से यूं ही नहीं जाने देंगे बल्कि अपने हाथों में रखेंगे। तेजस्वी यादव हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 28 तारीख को जो सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं चल रही हैं, 28 तारीख को हो सकता है कि तेजस्वी यादव राजभवन जाकर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें, ये भी हो सकता है। तो संभावना से इनकार नहीं किया सकता है क्योंकि आरजेडी जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है, उनके पास सहयोगी है और एनडीए के भी सहयोगी उनके सहयोगी बन सकते हैं अगर उनके द्वारा ऑफर दिया जाएगा। मानिए, सोचिए आप भी ना, संतोष सुमन को कह देते हैं कि डिप्टी सीएम बना देंगे, क्यों नहीं जाएंगे वो? ये कह दे कि लोकसभा में आपको हम 5 सीटें देंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। जदयू के ही जो लोग हैं उनको कहा जाए कि अच्छा अच्छा पोर्टफोलियो हम देंगे, हम आपके फैमिली वाले को लोकसभा में सीट देंगे, क्यों नहीं जा सकते हैं? बिहार बचाना है भाई, अगर इस बार तेजस्वी चूके तो बहुत ही इसका साइड इफेक्ट होने वाला है और लालू परिवार ये जानता है। हाँ, वोटर्स पे पड़ेगा, वोटर सब कह रहे हैं उनके कि क्या जरूरत थी 2022 में नीतीश के साथ जाने की, जब विश्वास इतना अविश्वासी व्यक्ति है वो और स्थिर व्यक्ति है तो फिर आपको जाने की जरूरत क्या थी? तो ये सारे जवाबों के सवालों के जवाब न देने पड़े और बिहार में अपना जो है राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए लालू परिवार पूरा अपना दमखम लगा चुका है। और बातें यही कही जा रही है कि भले खेल का शुरुआत नीतीश करेंगे लेकिन उसका समापन हो सकता है कि लालू यादव करेंगे। लालू यादव करेंगे, बिल्कुल। देखिए, तो एक खबर ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी से भी बातचीत चल रही है, लालू यादव की बातचीत चल रही है, हो सकता है कि डिप्टी सीएम का पद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को दिया जाए, ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि फिलहाल जितने भी खबरें हैं वो सूत्र के हवाले से ही है, सूत्र ही बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाक्रम बिहार में घट सकती है। तो आप समझिए इस बात को कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। नीतीश कुमार अगले सीएम होते हैं या नहीं होते हैं ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हर बार पलटी मारते हैं और सीएम बन जाते हैं, किसी गठबंधन में जाए, आरजेडी के साथ जाए, बीजेपी के साथ जाए, मतलब महागठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन। लेकिन इस बार ऐसा होगा इसका संभावना तेजस्वी यादव कम करना चाह रहे हैं, यही कहिए कि ये होना ही नहीं देना चाहते हैं तेजस्वी यादव। 8 विधायकों की संख्या मात्र कम है महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम की कुर्सी से दूरी बनाए रखने के लिए, तो वो दूरी खत्म हो सकती है। जो खबरें हैं कि जदयू के 6 ऐसे विधायक हैं जो कल से संपर्क में नहीं है नीतीश कुमार के, ना तो ललन सिंह के, तो वे कहां हैं आखिरकार, वे किसके संपर्क में हैं? क्या इसमें कोई बिजेंद्र यादव खेल कर रहे हैं? ये भी खबरें निकलकर सामने आई। जदयू का कौन सा वो बागी नेता हो सकता है जो नीतीश कुमार को इस बार पटखनी देने के लिए लालू प्रसाद यादव के साथ आ रहा है? ये भी बड़ा मसला होने जा रहा है अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। तो कल जिस तरीके से घटनाक्रम घटा है, 15 मिनट में कैबिनेट खत्म होना, मीडिया ब्रीफिंग नहीं करना, अचानक से सीएम नीतीश तमाम अपने बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद देर रात सम्राट चौधरी और सुशील मोदी और अश्विनी चौबे की बैठक अमित शाह से होती है बिहार के संदर्भ में, और कल से ही बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। तो कई तरह के घटनाक्रम घट रहे हैं जिसके बाद ये लगभग तय है कि बिहार में कोई बड़ा उथल पुथल, बड़ा खेल राजनीतिक गलियारों में घटने जा रहा है। कैसे होगा, रूप क्या होगा उसका, किस तरीके से नए सीएम बनेंगे, चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव जो है वो पूरी एरी चोटी की दम लगा रहे हैं, पूरा ताकत लगा रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को पटखनी देना है, नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देना है। इसलिए नहीं बनने देना है क्योंकि बार बार नीतीश कुमार धोखा देते रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, अगली खबर के साथ हम बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं, बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।